हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। दिस इज़ अवर नेक्स्ट लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडीड द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड काउंटर नंबर। उसमें से हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ हमने फर्स्ट काउंटर नंबर स्टडी किया था, दैट इज़ द प्रिंसिपल काउंटर नंबर दैट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ओके, और हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टडी की थी। और ये जो प्रिंसिपल काउंटर नंबर है दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल टू विच इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। मतलब अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉन दिया है तो वो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एटम के कौन से शेल के अंदर प्रेजेंट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब उसके हेल्प से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। मतलब जो प्रिंसिपल काउंटर नंबर है दैट गिव्स अ इन्फॉर्मेशन, व्हाट इट गिव्स अ इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वेदर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल। ओके, एंड दैट शेल इज ऑल्सो डिनोटेड बाय लेटर के एल एम एन। एंड और हर एक शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अलाउ, सॉरी कितने ऑर्बिटल अलाउ करेगा, मतलब फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, सेकंड शेल अगर है तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स वो अलाउ कर पाएगा, थर्ड शेल तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स वहाँ पे रह पाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमें दिया है बाय फार्मूला एन स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने स्टडी किया था। ओके, एंड नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक या फिर टुडेज टॉपिक इज अजंता काउंटर नंबर। हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? अजंता काउंटर नंबर पढ़ने वाले हैं एंड दैट डिनोटेड बाय एल। ओके, हम कौन सा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं? अजंता काउंटर नंबर दैट इज डिनोटेड बाय एल। ठीक है, ये हमें स्टडी करना है, अजंता काउंटर नंबर डिनोटेड बाय एल। तो अजंता काउंटर नंबर हमें स्टडी करना है, और अजंता काउंटर नंबर जो है उसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। एंड दैट अजीमुथल काउंटर नंबर इज ऑल्सो कॉल एज अ सबसाइडरी काउंटर नंबर। अजीमुथल काउंटर नंबर को हम और क्या बोलते हैं? सबसाइडरी काउंटर नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अजीमुथल काउंटर नंबर को हम क्या बोलेंगे? सबसाइडरी काउंटर नंबर बोलेंगे। नाउ एटॉमिक ऑर्बिटल विद द सेम वैल्यू ऑफ एन बट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल कंस्टिट्यूट अ सब शेल बिलोंगिंग टू द शेल फॉर अ गिवन। मतलब हमें अगर एन की एक वैल्यू दी है तो एन के वैल्यू के लिए हमें एल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती है, एंड दैट एल वैल्यूज ऑफ एल कॉन्स्टिट्यूट द सब शेल, क्योंकि एन जो है दैट डिनोट द सब शेल, सॉरी एन जो है दैट स्टैंड फॉर द शेल। एन किसके लिए होता है? एन जो होता है वो किसके लिए होता है? एन इट इज़ फॉर द शेल दैट डिस्क्राइब द शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग, वो बताता है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है। और जो एल है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट फॉर द सब शेल, वो किसके लिए काम करता है? सब शेल के लिए। मतलब एल के वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है? हमारे ऑर्बिटल के अंदर कितने, सॉरी हमारे शेल के अंदर कितने सब शेल है वो हमें पता चलता है। एन क्या देता है? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग, एंड एल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है वो कौन बताएगा? एन बताएगा। और हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है वो कौन बताएगा? एल बताएगा। ओके, देन उसके बाद द अब ये क्लियर हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि एन की अगर एक वैल्यू है तो एन के एक वैल्यू के लिए हमारे पास एल की डिफरेंट वैल्यूज़ रह सकती है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एल की जो वैल्यू है वो एन के वैल्यू के लिए हमारे पास एल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रह सकती है। ठीक है, मतलब एन की वैल्यू एक बट एल की वैल्यू अलग रह सकती है। और वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल। ठीक है, कौन? एल। एल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है वो हमें पता चलता है। नाउ द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू एन। वहाँ पे क्या दिया है? द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ सब शेल रहेंगे इज इक्वल टू एन। वो क्या होता है? एन के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड शेल कंटेन द थ्री सब शेल। जैसे देखो, अब आपको वहाँ पे कहा क्या है? वहाँ पे कहा है कि जो सब शेल का नंबर होता है, ठीक है, किसका नंबर? नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू एन। मतलब जितनी एन की वैल्यू रहेगी उतने नंबर ऑफ सब शेल रहेंगे। अगर एन की वैल्यू अगर वन है, मतलब उस फर्स्ट शेल में
एक ही सबशेल रहेगा, कितना सबशेल रहेगा, एक ही सबशेल रहेगा। अगर हमारे पास एन की वैल्यू अगर 2 है, इसका मतलब वहाँ पे एल की हमें 2 वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है। एन अगर 2 है मतलब एन सेकेंड शेल अगर है तो उसके लिए हमें एल की 2 वैल्यूज़ मिलेगी, इसका मतलब हमारे शेल में कितने सबशेल रहेगी, 2 सबशेल जो है वो प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। मतलब अगर एन की वैल्यू 2 है तो सबशेल भी 2, ठीक है। अगर एन की वैल्यू अगर 3 है तो सबशेल भी कितनी रहेगी, 3 रहेगी, समझ में आया। अगर एन की वैल्यू 4 है, अगर एन की वैल्यू अगर 4 है तो सबशेल भी कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी, कितनी सबशेल रहेगी, 4 सबशेल प्रेजेंट रहेगी, समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब एन की वैल्यू 1 तो एक सबशेल शेल के अंदर, और एन की वैल्यू 2 है मतलब एन इक्वल टू 2 है मतलब हमारी सेकेंड शेल है। अब सेकेंड शेल है इसका मतलब वहाँ पे कितनी सबशेल रहेगी, एन इज इक्वल टू 2 मतलब 2 सबशेल रहेगी, मतलब एन की वैल्यू भी 2 है। एक्चुअली नंबर शेल का सेकेंड है, बट जितनी एन की वैल्यू होती है उतनी सबशेल, मतलब फर्स्ट शेल है तो एक सबशेल, 2 शेल है तो 2 सबशेल, तीसरी शेल है तो 3 सबशेल, चौथी शेल है तो 4 सबशेल, इस टाइप का वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उतनी आपको एल की वैल्यू मिलेगी अगर एन इज इक्वल टू, सॉरी, अगर एन इज इक्वल टू, अगर एन इज इक्वल टू 1 अगर है, अगर एन इज इक्वल टू 1 है इसका मतलब हमारे पास एल की एक ही वैल्यू रहेगी, अगर एल की एक ही वैल्यू है मतलब सबशेल भी एक ही रहेगी। अगर एन इज इक्वल टू 2 है मतलब हमारे पास एल की 2 वैल्यू रहेगी, मतलब हमारे पास कितनी सबशेल रहेगी, 2 सबशेल रहेगी, ओके। देन उसके बाद देखो, जिसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, द नंबर ऑफ शेल इन शेल इज इक्वल टू एन, द थर्ड शेल कंटेन 3 सबशेल विद द 3 डिफरेंट वैल्यू। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया था अगर सेकेंड शेल है तो उसमें 2 सबशेल रहेगी, एंड फर्स्ट सबशेल कंटेन ओनली 1 सबशेल, और फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल रहेगी, फर्स्ट शेल में एक सबशेल, सेकेंड शेल में 2 सबशेल, थर्ड शेल में 3 सबशेल, एंड द वैल्यूज ऑफ एल रेंज फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1। द वैल्यू जो है एल की, द वैल्यू ऑफ एल रेंज फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1, हमारी जो एल की वैल्यू रहेगी वो 0 से स्टार्ट होगी और एन माइनस 1 रहेगी। अब एन माइनस 1 मतलब क्या, जैसे अगर सपोज मैंने एन इज इक्वल टू 2 कंसिडर किया कि हमारे एन की वैल्यू 2 है, तो हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0, कहाँ से स्टार्ट होगी, हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। अगर हमारी वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मैंने कहा क्या एन इज इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास एल की 2 वैल्यू रहेगी। अब एल की 2 वैल्यू कौन सी रहेगी, और वह एन माइनस 1 भी रहेगी, मतलब एन माइनस 1 तक रहेगी, मतलब 0 से स्टार्ट होगी और एन माइनस 1 तक रहेगी। अब एन माइनस एन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो एन जैसे एन की जगह पे 2 पुट अप करेंगे, 2 माइनस 1, एंड व्हाट इज 2 माइनस 1, इट्स अ 1, मतलब हमारे पास 0 टू 1 ये एक 2 वैल्यू रहेगी, ठीक है, 0 और एक 1, ओके। तो देखो, दस द के शेल विथ एन इज इक्वल टू, आपको पता है कि एन इज इक्वल टू 1 मतलब कौन सी, फर्स्ट शेल मतलब कौन सी शेल, के शेल, तो के शेल दैट इज एन इज इक्वल टू 1 कंटेन ओनली 1 सब शेल, उसमें सिर्फ एक ही सब शेल होता है, हैविंग एल इज इक्वल टू 0। के शेल में हमारे पास एक ही वैल्यू होती है, वो भी कौन सी, एल इज इक्वल टू 0 होता है, उसमें सिर्फ एक ही सब शेल प्रेजेंट होता है के शेल में। के शेल में क्या होता है, के शेल विथ एन इज इक्वल टू 1 क्योंकि उसकी एन की वैल्यू 1 है, दैट कंटेन ओनली 1 सबशेल, उसके अंदर सिर्फ एक ही सबशेल होता है, ठीक है। के शेल के अंदर मतलब फर्स्ट शेल के अंदर कितना सबशेल है, ओनली 1 सबशेल, हैविंग एल इज इक्वल टू 0, ठीक है, उसमें एल की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होता है, मतलब एन की वैल्यू भी, सॉरी, एल की वैल्यू क्या होती है वहाँ पे, 0। शेल कौन सा है, फर्स्ट, एन इज इक्वल टू 1 है, बट इसकी वैल्यू क्या, एल की 0, ठीक है, ओनली सबशेल इज हैविंग। नाउ द सबशेल्स और सब लेवल्स हैव एल टू बी 0 प्लस 2 3 विच आर रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बॉल्स एस पी डी एफ रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको पता है कि सबशेल या फिर सब लेवल जो होते हैं हैव एल टू 0 टू 1, मतलब एल से लेकर 0 टू 1 तक उसकी रेंज होती है, ठीक है, सबशेल की, और 2 और 3 कॉमा कॉमा 4 विच आर
विच आर रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बॉल्स, को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिम्बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं SBDF रिस्पेक्टिवली। सबशेल जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय विच लेटर, सबशेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबशेल को हम SPDNF से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा शेल का नंबर कौन सा, उसके वजह से अभी आपको जो बताया था अवर फर्स्ट शेल दैट इज़ के शेल, के शेल मतलब फर्स्ट शेल मतलब उसकी एन की वैल्यू 1 है, अगर उसकी एन की वैल्यू 1 है तो एल की भी ए की वैल्यू रहेगी, और एल की ए की वैल्यू कौन सी होती है, 0 ही होती है, मतलब एल बी क्या है, 0 है, ठीक है। देन उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो 0 से एन माइनस 1 तक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एन माइनस 1 मतलब एन के लिए 1 है, मतलब 1 माइनस 1 0, मतलब एल की इक्वल की 0 वैल्यू। और आपको पता है कि ये जो सबशेल है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, SPDF को रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिम्बॉल एंड बाय गिविंग दैट सब ऑर्बिटल, सॉरी दैट रिप्रेजेंटेड बाय दैट सब सब ऑर्बिटल्स जो है, सॉरी सब सब शेल जो है उसको हमने रिप्रेजेंट किया बाय SPDF से। तो अगर हमारे इसमें एक ही शेल है तो ऐसा रहेगी, अगर पी है तो पी दोनों भी रहेंगे, SNPDF इस टाइप से रह सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एजिमिथा क्वांटम नंबर। सो एजिमिथा क्वांटम नंबर हो गया है। एजिमिथा क्वांटम नंबर के बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है जिसको हम किसे नोट करते हैं, स्मॉल एम से नोट करते हैं, एंड दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव स्पैटल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन अ गिवन सबशेल, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है, रिलेटिव स्पैटल ओरिएंटेशन का, सॉरी इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव स्पैटल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन गिवन सबशेल। अब सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसका स्पैटल ओरिएंटेशन कैसे होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमें एम सबशेल देता है, ठीक है। मतलब हमें क्या स्टडी करना है, अभी स्पैटल अरेंजमेंट, स्पैटल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सबशेल, सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है, स्पैटल ओरिएंटेशन कैसा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा। एंड फॉर एनी सबशेल डिफाइंड बाय एल वैल्यू 12+1 वैल्यूज ऑफ एम आर पॉसिबल विच रेंज थ्रू, आपको बोला कि कोई भी सबशेल अगर है तो उसके लिए एक एल की डिफाइनेट वैल्यू होती है, ठीक है। फॉर एनी सबशेल डिफाइंड बाय एल वैल्यूज 12+1 वैल्यू ऑफ एम वन पॉसिबल विच रेंज थ्रू, आपको पता है वैसे भी कि हर एक सबशेल के लिए एक एल की वैल्यू तो होती है, ठीक है। और हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है, विच फॉर्मूला इज दिस, ठीक है, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला है 12+1, और आपको दिया ही है कि हर एक सबशेल के लिए एल की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो ऑब्वियसली 12+1 इस फॉर्मूले से हमें सबशेल की वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। वैल्यूज ऑफ एम वन पॉसिबल विच रेंज थ्रू, अगर रेंज ज़्यादा नहीं है पॉसिबल है। अब देखो फॉर एनी सबशेल अगर हमें एल की वैल्यू गिवन है तो हम एम की वैल्यू कौन से फॉर्म से करेंगे, 12+1 से। तो आपको नेक्स्ट इसमें में दिया होगा m1=l -l+1 -2 0 1 -2 and 1 -1, ये जो है वो m की वैल्यू है, ठीक है। किसकी वैल्यू है, ये m की वैल्यूज है, वो भी अलग अलग वैल्यूज है अलग अलग के लिए। देन को दस फॉर अ सबशेल s, अगर आपको कोई सबशेल दिया है s विथ l इज इक्वल टू 0, द ओनली अलाउड वैल्यू m1 इज इक्वल टू 0, देखो
आपको मैंने जो अभी बताया था कि हर एक सबशेल जो होता है, सबशेल को एस बोलेंगे, हर एक सबशेल को एक एक की अलग वैल्यू होती है। तो फॉर सबशेल पी हैविंग एल इज इक्वल टू, अगर पी सबशेल के बारे में निकालना है तो एल इज इक्वल टू, अगर वन है, एल इज इक्वल टू अगर वन है दैट अलाउड वैल्यू ऑफ एम, एम आई, एम आई की जो वैल्यूज है वो एल के ऊपर डिपेंड करेगी, तो एल के वैल्यू अगर वन है तो एम क्यू, एम की, एम की जो वैल्यूज है वो तीन आएगी, माइनस वन जीरो माइनस वन। दस पी सबसे कंटेन थ्री एम वन आर माइनस वन जीरो प्लस वन, देन पी सबसे कंटेन थ्री ऑर्बिट इज हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड सो ऑन, और हर एक ऑर्बिट का ओरिएंटेशन अलग अलग रहता है। देन उसके बाद देखो द सम ऑफ ऑर्बिट इन काउंटेड नंबर, प्रिंसिपल सॉरी सम ऑफ ऑर्बिट इन सबस्ट्रेट सबसे गिव्स इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ ऑर्बिट इन सो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, तो अगर एल की वैल्यू वन है तो उसके लिए अलाउड वैल्यू कितनी रहेगी एम की, माइनस वन जीरो एंड प्लस वन, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला है तो आपको मैं पुट अप करके बताती हूँ कैसे करना है उसको। तो देखो जैसे हमारे पास एल इज इक्वल टू वन है और हमारे पास फॉर्मूला कौन सा, एम की वैल्यू निकालने के लिए टू एल प्लस वन, ये फॉर्मूला है ओके। और हम यहाँ पे एल के वैल्यू जो आपको गिवन है वो पुट अप करेंगे, एल के वैल्यू कितनी दी हमारे पास वन, तो टू इंटू एल के जगह पे वन पुट अप करेंगे, वन प्लस ये वन, तो हाउ मच इट इज़ टू इंटू वन दैट इज़ टू एंड प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, इसका मतलब हमें एम की कितनी वैल्यू मिलने वाली, थ्री वैल्यू मिलने वाली, समझ में आया, ठीक है। एल की सॉरी हमारे पास जो एल की वैल्यू है वो एल की वैल्यू सॉरी ऊपर लिख लेते हैं, हमारे पास L इज इक्वल टू वन है जो मैंने अभी बताया, L की वैल्यू वन है तो M की कितनी वो हमें निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर L इज सॉरी फॉर्मूला क्या है, टू एल प्लस वन, ये फॉर्मूला है, और उससे हमें क्या मिलेगी, M की वैल्यू मिलेगी। अब टू इंटू L की वैल्यू वन है और प्लस ये वन इज इक्वल टू M तो है ही आपके पास, ठीक है। एंड देन टू इंटू वन टू सॉरी ये जो साइन है यहाँ पे प्लस जी ओके, यहाँ पे कौन सा साइन चाहिए हमें, प्लस चें प्लस साइन चाहिए, तो टू इंटू वन प्लस टू इंटू वन टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, मतलब हमें एम की थ्री वैल्यूज मिलेगी। एम की थ्री वैल्यू कौन सी मिलेगी, आपको पता है हमारी नंबर जो स्केल होती है, अब हमें पता चल गया कि हमारे एल के लिए एल वन है तो एम जो होता है वो थ्री होता है, तो इसका मतलब थ्री वैल्यूज हमें लिखनी पड़ेगी। अब थ्री वैल्यूज हमारी नंबर स्केल जो होती है वो हमेशा स्टार्ट करती है जीरो से, जीरो के बाद में सारे नंबर पॉजिटिव थे, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री लाइकवाइज, और जीरो के पहले आते हैं माइनस वन, ठीक है, माइनस मतलब यहाँ पे माइनस वन, माइनस वन के बाद आता है माइनस टू, ठीक है, तो माइनस टू के बाद आएगा माइनस थ्री, तो ऐसे उसकी वैल्यूज़ होती है माइनस वन, मतलब हमारे नंबर स्केल के अकॉर्डिंग हमें तीन वैल्यू कौन सी मिल रही है, ये तीनों, मतलब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये तीन वैल्यू रहेगी, कौन सी तीन वैल्यू रहेगी हमारे पास, एक रहेगा माइनस वन और दूसरा रहेगा मतलब माइनस वन, एक रहेगा ज़ीरो और एक रहेगा प्लस वन, हमारे पास थ्री वैल्यू माइनस वन ज़ीरो एंड प्लस वन, हमें ये तीन वैल्यू मिलेगी किसके लिए, फॉर एम इज इक्वल टू थ्री के लिए। तो अगर एल की वैल्यू वन है तो एम की वैल्यू थ्री, और थ्री वैल्यूज कौन सी रहेगी, माइनस वन जीरो एंड प्लस वन, ठीक है। अगर सपोज एल इज इक्वल टू टू लिखा मैंने, तो एल इज इक्वल टू, तो हमें फिर से फॉर्मूले में पुटअप करना पड़ेगा, तो हम फिर से एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एल की वैल्यू टू है तो हमारे पास एम की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है, टू एल प्लस वन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एम की वैल्यू क्या आएगी, टू इंटू टू प्लस वन, मतलब ये आएगा टू इंटू टू फोर, फोर प्लस वन फाइव,
ठीक है, तो एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। अब एम की वैल्यू 5 है मतलब क्या, पहले 0 आएगा सेंटर में, ठीक है, एक आएगा +1 इस साइड का, यहाँ पे आएगा एक +1, उसके बाद यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -2। ओके, तो ये होगी हमारी हमारी वैल्यूज़। ओके, हमारी वैल्यूज़ कौन सी, यहाँ पे आएगा -2, तो ये हमारी वैल्यूज़ होगी -2, -1 और ये 0, मतलब हमारे पास ऐसी कितनी वैल्यूज़ है, 5 वैल्यू, 1 है, 0, फिर +1, +2, -1, -2, ठीक है, ऐसे हमें इसकी वैल्यूज़ मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, द पी सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स हैव इन डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, इसका मतलब जो पी सबशेल है दैट कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, उसमें 3 ऑर्बिटल्स कंटेन रहते हैं। ठीक है, द पी सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स इन डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन, उसका ओरिएंटेशन भी अलग अलग होता है। एल इज इक्वल टू 1 है तो एम की 3 वैल्यूज है, एम की 3 वैल्यूज है तो उसमें अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सबशेल जो होता है दैट कंटेन 3 ऑर्बिटल्स हैविंग डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन, आपको पता है कि पी ऑर्बिटल तो वैसे भी 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, सबके ओरिएंटेशन अलग अलग होते हैं, इसलिए वो बाद में आते हैं। एंड द सम ऑफ ऑर्बिटल्स इन द कंस्टिट्यूएंट सबशेल, सम ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ कंस्टिट्यूएंट ऑर्बिटल्स इन द कंस्टिट्यूएंट सबशेल गिव्स द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ कंसर्न शेल्स इज गिवन बाय एन स्क्वायर। द सम ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ कंस्टिट्यूएंट सबशेल, सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो सम होती है दैट गिव्स द टोटल इन्फॉर्मेशन, वो क्या देती है हमें, टोटल इन्फॉर्मेशन देती है गिवन नंबर, सॉरी गिवन नंबर का, द सम सम ऑफ ऑर्बिटल्स इन कंस्टिट्यूएंट सबशेल, जितनी भी ऑर्बिटल्स उसमें रहेंगे उस सबशेल के अंदर, दैट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ कंसर्न शेल, तो हमें वहाँ पे क्या मिल जाएगा, टोटल ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे सभी ऑर्बिटल्स जो उस शेल के अंदर प्रेजेंट, सबशेल के अंदर प्रेजेंट है सबका सम कर लेंगे। ठीक है, एंड कन एंड इज गिवन बाय एन स्क्वायर, वो हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन स्क्वायर से। ठीक है, हमारे मतलब आपको चार्ट भी देगा, सम ऑफ ऑर्बिटल्स कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे इन कंस्टिट्यूएंट सबशेल में, इज गिवन टोटल नंबर ऑफ, गिव्स द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, वो हमें कहती है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताती है इन अ कंस्टिट्यूएंट शेल के अंदर, इज गिवन बाय एन स्क्वायर, वो हमें किससे बताती है, एन स्क्वायर से। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल का जो सम होता है सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होता है उनका सब सम जो है, दैट यूज़र टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन कंसेंट्रेशन के अंदर, डिफरेंट ऑर्बिटल्स का नंबर क्या रहेगा वो भी हमें पता चल जाएगा। तो इसके बाद का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।